क्या होगा अगर सुपर हीरो के सिक्स गॉड पावर्स शज़ाम और मैजिशियन फ्रॉम एमसीयू डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़ार्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर सकता है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल शज़ाम का होस्ट बिली बैटसन 16 साल का एक लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्ट्रिक आर्ट्स का मास्टर है जो कि अपने स्पेल्स और इंटेलिजेंस का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स, थानोस और डोरमामू जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है, जो कि शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। शज़ाम की पावर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिकल ही हैं, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज शज़ाम के साथ फाइट कर सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जिस स्पेल का यूज करके शज़ाम की पावर्स तक को सील कर सकता है, जिससे बिली बैटसन कभी भी शज़ाम बोल के शज़ाम नहीं बन पाएगा। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जो कि उसके लिए इस फाइट में एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इसका यूज करके फ्यूचर के किसी भी इवेंट की हर एक पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं और एक पर्टिकुलर सिनेरियो को फॉलो करके अपनी विन को कंफर्म कर सकते हैं। और ऐसा ओपोनेंट जिसे हर एक इवेंट, हर एक टाइमलाइन, हर एक सिनेरियो, हर एक पॉसिबिलिटी और आगे क्या होने वाला है सब कुछ पता हो, तुम उसे कैसे हरा सकते हो। इन दी एंड शज़ाम पावरफुल तो बहुत है, पर उसकी पावर्स मैजिक से रिलेटेड है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। हालांकि पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि शज़ाम डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दे, और वो हरा भी सकता है, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।